आप कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करते हैं? सर हमारे यहाँ मल्टी क्रॉप प्लांटर, जिसे मतलब मक्का और मूंगफली बुआई मशीन कहते हैं। अच्छा, और उसके बाद में हमारे यहाँ हैरो, हाँ जी, कल्टीवेटर, हाँ जी, लेबलर, हाँ जी, ट्रॉली, हाँ जी, और भी बहुत से कृषि यंत्र जो है वो हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। अच्छा, किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज मैं आया हूँ अल्लागंज में, आपको मशीन दिखाने वाले हैं, वो है मल्टी क्रॉप प्लांटर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरदार जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। सर मेरा नाम रणधीर सिंह है, हाँ जी, और हमारी ये फर्म है गुरु नानक एग्रो वर्कर्स। अच्छा, कहाँ पे स्थित है ये? हाँ जी, कहाँ पे स्थित है ये? सर हमारी अल्लागंज डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर। अच्छा, बाईपास रोड पे हमारी फैक्ट्री है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। आप कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करते हैं? सर हमारे यहाँ मल्टी क्रॉप प्लांटर, जिसे मतलब मक्का और मूंगफली बुआई मशीन कहते हैं। अच्छा, और उसके बाद में हमारे यहाँ हैरो, हाँ जी, कल्टीवेटर, हाँ जी, लेबलर, हाँ जी, ट्रॉली, हाँ जी, और भी बहुत से कृषि यंत्र जो है वो हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। अच्छा, जैसे कि हम आपका ये मल्टी क्रॉप प्लांटर देख रहे हैं, हाँ जी, इससे किसान कौन कौन सी फसल की बुआई कर सकता है? सर इसमें जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के हिसाब से हमारे यहाँ जो चलता है, हाँ जी, तो किसान और मक्का और मूंगफली, अच्छा, दो की ही बुआई करता है। वैसे अच्छा, बहुत से किसान जो अदर अदर क्षेत्र हैं, जैसे चने मटर है, तो ये और भी काफी जो फसलें हैं, हाँ, उससे बुआई हो जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो आप एक बात बताइए, आपकी मशीन की क्या क्या खासियत है, किसान साथियों को पूरे विस्तार से समझाइए। अच्छा सर देखिए, ऐसा है हमारी जो भी मशीन है, हाँ जी, हमारी मशीन में हम लोग जो क्या करते हैं कि इसमें क्वालिटी का विशेष ध्यान रखते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। जैसे कि यहाँ से क्या होता है, अक्सर जो मशीनें होती हैं, हाँ जी, यहाँ से उखड़ जाती हैं। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें यहाँ से डबल सपोर्ट लगवाते हैं। अच्छा, और नीचे भी पूरी सपोर्टें लगवाते हैं। अच्छा, और ये जो भी पट्टा, ये बहुत मोटा है भी लगवाते हैं। अच्छा, और उसके बावजूद ये कुछ किसान क्या मतलब फैक्ट्रियां क्या करती हैं, जो टाइन वगैरह होती है, हाँ जी, ये कच्ची लगवा देती हैं। अच्छा, हमारी ये सब जो है हर मेक में मोहर लगी होती है और टेम्पर्ड होगी ये। अच्छा, ये कच्ची नहीं होगी, ये टेम्पर्ड होगी, अगर अच्छा, जल्दी फंसती भी है तो टेढ़ी नहीं होती। अच्छा है। अच्छा, मजबूताई का पूरा ध्यान, हाँ जी, पूरा ध्यान रखा गया। और उसके बाद में हमारा ये जो पाइप है, हाँ जी, ये भी कुछ लोग क्या करते हैं कि नरम पाइप लगा देते हैं। हाँ जी, नरम पाइप लगा देने से क्या होता है कि यहाँ पे बैंड आ जाता है उसमें। अच्छा, तो बीज रुकता है। अच्छा, और कलर का पाइप लगा देते हैं तो उसमें बीज दिखता नहीं है। अच्छा, इसमें क्या है हमारे में कि अगर कोई पाइप मट्टी या नीचे से गीली मिट्टी लगने से अगर, हाँ, कोई पाइप अंदर से चोक भी हो जाएगी, हाँ, तो इसमें दिखेगा कि इसमें बीज कहीं पे रुका तो नहीं है। अच्छा, और ये जो पाइप होता है और ये जल्दी धूप से भी और पानी से जल्दी खराब नहीं होता, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। आपका ये पारदर्शी पाइप है, इससे किसान आसानी से देख सकता है कि बीज लगातार आ रहा है या नहीं, लगातार आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, और इसकी ये चलता बहुत ज्यादा दिन तक। अच्छा अच्छा, हाँ जी, लाइफ भी ज्यादा होती है। लाइफ इसकी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, और अगर हम बात करें जैसे कि आपने ये सांचे दे रखे हैं, ये किस क्वालिटी के हैं? ये सर इसमें क्या होता है, बहुत से अगर किसान जो है अलग अलग फसलें बोते हैं, जैसे तो हमारी मूंगफली हो गई, हाँ, तो ये हर खाने में बोई जाती है। अच्छा, लेकिन जो मक्का होती है, हाँ, उसकी दूरी ज्यादा चाहिए होती है। अच्छा, कुछ किसान 17 इंची पे भी बोते हैं, कुछ 18 इंची पे भी बोते हैं, हाँ जी, तो फिर उसी हिसाब से इसकी दूरी एडजस्ट हो जाती है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और अगर हम बात करें जैसे कि आपने ये पीछे इसमें ये चादर सी लगा रखी है, इसकी ये कितनी मजबूत लगा रखी है, एकदम मुड़ेगी तो नहीं? नहीं नहीं सर, बहुत लोग क्या करते हैं, हाँ जी, यहाँ पे चादर, यहाँ पे 8 गेज या 6 मतलब 12 गेज की चादर लगा देते हैं। हाँ जी, हमारा 3 सूट मोटा पट्टा लगा रखा है हमने। अच्छा, हम चादर जल्दी घिस जाती है। अच्छा, और बहुत से फैक्ट्रियों में क्या होता है कि ये चीज जो होती है अंदर ये डिवाइड नहीं दिया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। उससे क्या होता है कि बीज और खाद जब एक जगह पड़ती है, हाँ जी, तो बीज सड़ जाता है। अच्छा, अब इसमें ये पार्टीशन अंदर दिया तो एक तरफ तो खाद पड़ेगी, एक तरफ बीज पड़ेगा। अच्छा, तो उससे ये होगा कि हमारा बीज में जब मिट्टी आ जाएगी तो हमारा बीज आपस में सड़ेगा नहीं। अच्छा, हाँ जी, भाइयों आप देख सकते हैं काफी शानदार ये आप इनका आविष्कार है। आप देख सकते हैं एक तरफ तो इनका बीज पड़ेगा और एक तरफ खाद पड़ेगा, जिससे कि बीज सिलाबन नहीं पकड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। जो खाद होता है वो सील सा जाता है और बीज गल जाता है उससे। और किसान भाइयों आप देख सकते हैं ये जो पाइप यूज करते हैं वो भी A1 कंपनी का ISI पाइप होता है हमारा। हाँ जी, और हमारी ये 3 गाड़ियां हर मशीन में एक्स्ट्रा दी जाती हैं। अच्छा, साथ में ये अलग से इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। ये काम इसलिए दी जाती है कि अगर किसान कोई और मल्टी क्रॉप मतलब कोई भी अगर और फसल होता है, हाँ जी, तो उसे दिक्कत ना आए तो हाँ ये गाड़ियां हमारी साथ दी जाती हैं। अच्छा अच्छा, और हमारी मशीन में पीछे गेयर बॉक्स लगा होता है। अच्छा, क्योंकि ये अगर बीज एक मतलब 4-5 किलो तक का अंतर ये हमारा गेयर बॉक्स से पड़ता है। अच्छा, मान लीजिए कि किसी को कम करना, एक किसान कह रहा मुझे 10 किलो बोना है, दूसरा किसान कह रहा मुझे 11 किलो बोना है,
तो हमें गियर नहीं बदलना पड़ेगा, मतलब वहाँ से गरारी नहीं बदलनी पड़ेगी, सिर्फ ये गियर बदलना है। अच्छा, अगर अगर किसान जैसे कि यहाँ पे सेट है अब इस खाने में, अगर यहाँ पे करता है तो कितना अंतर आएगा? लगभग 1.5 किलो का अंतर डालती है मशीन हमारी। अच्छा, और ये हमारी 4 गियर दिए हैं। अच्छा, आप कितने पे सेट है? 6 किलो का अंतर किसान इस खाली लीवर से कर सकता है। अच्छा, उसको गियर नहीं, उसके बाद अगर किसान को और कोई फसल बोनी है हाँ जी, तो हमारा ये जो भी अंदर दिया है ये हमारा गियर सिस्टम दिया है। अच्छा, तो ये इसके आगे चकनट हमने दी है। हाँ जी, तो पूरी गरारी नहीं खोलना है, खाली चकनट खोल के और इसके गियर लगा के फिर चकनट कर। अच्छा, मतलब ये सिस्टम हमारा। और बहुत सी कंपनियां क्या करती हैं, बीज निकालने के लिए हाँ जी, इसे यहाँ नहीं देती हैं। अच्छा, हमने बीज निकालने के लिए जब बीज बच जाता है तो ये यहाँ से ढक्कन खोल के उसका बीज निकाल लेते हैं सारा, और दोबारा इसको फिर लगा दिया जाता है। काफी सुविधाएं दी हैं किसान को। नहीं तो किसान को क्या होता है कि हाँ, बीज निकालने में, अंदर से बीज निकालने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा अच्छा, बीज मतलब किसान निकाल नहीं पाता। अच्छा, और खाद निकालने के लिए भी हमारा दिया है, हमने लोगों ने यहाँ से हमारी खाद भी निकल जाती है। अच्छा हाँ जी, और हमारी जो भी बैरिंग वगैरह जो भी होते हैं हाँ जी, वो सब हमारे न्यू बैरिंग ही डाले जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि डिस्पोजल बैरिंग लगा देते हैं। अच्छा, चैन वगैरह डिस्पोजल लगा देते हैं। हाँ जी, हमारा सब न्यू ही लगता है। अच्छा हाँ जी, अगर हम बात करें बैरिंगों की तो आप इसमें बैरिंग कौन सी कंपनी का? हमारा ARB का बैरिंग लगता है। ARB का बैरिंग, ARB का बैरिंग लगाते हैं हम इसमें। आप इस मशीन के साथ किसान को कुछ गारंटी वारंटी देते हैं? गारंटी हमारी 1 साल की होती है। 1 साल की? 1 साल की। किस पार्ट्स की गारंटी है? हमारी मशीन में अगर हमारी मशीन बाई चांस बीज तोड़ती है, हाँ जी, पहले कभी तोड़ती नहीं, बाई चांस किसान को दिक्कत आती है, वो कहता है हमारी बीज तोड़ने की, बीज डालने की, बीज कहीं, कुछ किसानों को दिक्कत आती है, कुछ मशीनों में किसान कहते हैं कि बीज कहीं पड़ता है और कहीं बीज डाली नहीं रही है। अच्छा, तो ये दिक्कत हमारी मशीन में कभी नहीं आती है कि बीज एक्यूरेट पड़ेगा। अच्छा हाँ जी, अगर 7 किलो है तो 7 पड़ेगा, 10 है 10 पे बांधेगा तो 10 पड़ेगा, ये नहीं कि कुछ किसान क्या कहते हैं कि कुछ मशीनों में कि कभी 10 डालती है तो कभी 8 डालती है, तो हमारी 10 ही डालेगी। अच्छा, जितने भी आप उसके एडजस्ट करेंगे उतना ही बीज डालेगी। अच्छा हाँ जी, अगर कोई किसान साथी आपसे ये मूंगफली और मक्का बोने की मशीन खरीदना चाहता है तो उसे कैसे खरीदनी होगी, अपना एड्रेस बताइए। सर उसके लिए उसे हमारा जो फैक्ट्री हमारी है हाँ जी, वो हमारी फैक्ट्री है अल्लागंज डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर, अल्लागंज बाईपास रोड पे फैक्ट्री है हमारी। अच्छा, जो शाहजहांपुर से और फरुखाबादी के लिए रोड जाती है। अच्छा, तो वहाँ पे अल्लागंज कस्बा पड़ता है। अच्छा, तो बाईपास पे है हमारी फैक्ट्री। अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर और बता दो। सर हमारा नंबर एक है 9695 हाँ जी 5308, दूसरा नंबर हमारा है 9839 8698। आप मल्टीक्रॉप थ्रेसर वगैरह सब चीज बेचते हैं? हाँ जैसे कि वहाँ पे सामने रखा हुआ है। हाँ जी, हमारे यहाँ जितने भी इम्प्लीमेंट होते हैं हाँ जी, वो सारे लेजर लेबलर हुआ, थ्रेशर हुआ हाँ जी, और उसके बाद मल्टीक्रॉप प्लांटर हुआ, मल्टीक्रॉप प्लांटर हुआ, रोटावेटर हुआ, हाँ जी, सारे ही यंत्र हमारे यहाँ। रोटावेटर कौन कौन सी कंपनी के बेचते हैं आप? रोटावेटर सर अब एक तो हमारा अपना ही ब्रांड है, हाँ नानक के नाम से हमारा ब्रांड अपना है। अच्छा, एक वो बेचते हैं हाँ जी, और एक हम दशमेश का रोटावेटर बेचते हैं हाँ जी, तो और भी फिर कई कंपनियों के रोटावेटर हमारे पास जो है वो होते हैं। अच्छा हाँ जी, हैरो वगैरह भी आपके अपने खुद के बनाए हुए हैं? हैरो भी हमारा स्वयं अपना ही बनता है। अच्छा, ये हमारा हैरो। किसान भाई आप देख सकते हैं हैरो की क्या क्वालिटी होने वाली है। सर हैरो भी हमारी जो क्वालिटी तो हम अपनी अच्छी बनाते हैं, हमारा फुल सपोर्ट में हैरो होता है। अच्छा, हमारा हर फुल सपोर्ट में हैरो होता है, और हमारा हब वगैरह भी हैरो का जो हम बहुत अच्छी क्वालिटी का हब लगवाते हैं। अच्छा, हमारा हब भी जो बहुत अच्छी क्वालिटी का ही लगता है। अगर हम बात करें 14 डिस्क की हैरो की, कितना वजन होगा? सर ये जो 14 डिस्क का हैरो है वो हमारा बैठता है 4 क्विंटल 35 किलो से 40 किलो के समथिंग। काफी हैवी बनाते हैं? हाँ जी, हैवी बनाते हैं, फुल सपोर्ट लगाते हैं हर। अच्छा, खाने में फुल सपोर्ट लगाते हैं, 90-95 का एंगल लगता है हमारा। अच्छा हाँ जी, थ्रेसर वगैरह भी आप बेचते हैं? थ्रेसर का सीजन आ गया जी, थ्रेसर भी हमारे यहाँ जो है वो भी हमारा बेचते हैं। अच्छा हाँ जी, तो जो भी किसान को कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए इम्प्लीमेंट चाहिए सब कुछ मिल जाता है? सब कुछ मिल जाता है। अगर किसी किसान को मान लीजिए नहीं आ, दूर है नहीं आ सकता है हाँ जी, तो वो अगर हमारे से डील हो जाती है तो हम उसकी होम डिलीवरी उसका घर भी भेज सकते हैं। अकाउंट में पैसे लगाने होंगे, ट्रांसफर कर दे और हम उसका यहाँ से जो भी ट्रांसपोर्ट खर्चा होगा उसे देना पड़ेगा जी, तो हम उसका वहाँ भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो किसान साथियों आज हमने आपको गुरु नानक एग्रो वर्क्स की सभी मशीनें दिखाई, आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनके पास आपको सभी कृषि यंत्र मिल जाएंगे। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।